मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद के बुद्ध विहार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 424 करोड़ रुपए की 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जिसमें प्रमुख रूप से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सोनकपुर ओवरब्रिज, ई बाइक शेयरिंग, ओडीओपी सामान्य सुविधा केंद्र सहित विभिन्न विकास परियोजना से जुड़े कार्य शामिल रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुरादाबाद का प्रसिद्ध कारीगर सैकड़ों वर्षों से अपने हुनर का लाभ जनपद और प्रदेश को पहचान दिलाने के लिए करते हैं, लेकिन पिछली सरकार के भ्रष्ट कारनामों के कारण पीतल उद्योग बंदी की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन आज मुरादाबाद जनपद में एक्सपोर्ट प्रमोशन की कार्रवाई हो रही है, उसी का परिणाम है कि लगभग 14,000 करोड़ रुपए का पीतल उत्पाद अकेले मुरादाबाद से एक्सपोर्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका है। आज ये मुरादाबाद जहां का हस्तशिल्पी और कारीगर सैकड़ों वर्षों से अपनी हुनर का लाभ इस जनपद को एक पहचान दिलाने के लिए करते थे, प्रदेश को एक पहचान दिलाने के लिए करते थे, पिछली सरकारों के भ्रष्ट कारनामों के कारण एक समय तो पीतल उद्योग यहां का बंदी के कगार पर पहुंच गया था, क्योंकि उनके पास जो कोयले से चलने वाली भट्टी थी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगातार वहां छापेमारी करता था। आज तो हम लोगों ने वहां पर सीएनजी और पीएनजी की सुविधा उपलब्ध करवाने के और उन्हें कनेक्शन देने की कार्रवाई कर दी है, और बहुत शीघ्र कोई भी भट्टी कोयला से नहीं बल्कि पीएनजी से ही संचालित होगी। इस प्रकार की व्यवस्था देकर के, पॉल्यूशन फ्री माहौल में देकर के, उन्हें एक अच्छा वातावरण भी दिया जा रहा है।